पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये और क्या स्वरूप बना रखा था परमेश्वर ने, एक जिंदा महात्मा का। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों में होते हैं जिंदा महात्मा संत, उनकी एक ही जो ना ओवरकोट पहनते हैं, ऊपर पूरा एक कोट टाइप सा चोगा बोलने, उसने नीचे घुटनों से नीचे तक का होता है पिंडलियों तक, और वो पहन रखा और कच्छा होता है घुटनों से ऊपर तक, लंबे लंबे कच्छे जैसे सरदार पहना करे, और सिर पे टोप छोटा सा से काले लंबे चोटे का। ये वेशभूषा उन संतों की होती है जिनको जिंदा महात्मा कहते, जिंदा संत कहते, साधु कहते। उस जिंदा वाले महात्मा के रूप बनाकर परमात्मा उस प्यारी आत्मा के पास उसकी क्रिया देखने के लिए बैठ गया, विराजमान हुआ। जब वो धर्मदास ने देखा कि ये मुसलमान होकर और तेरी पूजा को देख रहा है, तो इससे लगता है कि ये अच्छी आत्मा है, हो सके तेरी बात को मानकर ये सदभक्ति कर ले वे, और गीता जी जैसा शास्त्र पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा वो समझाना चाहता है। इसलिए गीता जी के पाठ को ऊंचे ऊंचे सुर में पहले संस्कृत पढ़े, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और फिर हिंदी, फिर उसकी हिंदी पढ़े। ऐसे पढ़े कि ये सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए और ये लग जा सत भक्ति पे। अब चक्कर क्या पड़ा हुआ है कि हिंदू तो समझते हैं मुसलमानों की भक्ति गलत, और मुसलमान समझते हैं हिंदू गलत साधना करते हैं, और ईसाई समझते हैं कि हम श्रेष्ठ, ठीक हमारी साधना ठीक है, और सिख समझते हैं हम पूजा जो करें सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो यही बात इस चार दिन में निर्णय होगा कि जो पुण्यात्मा कंटिन्यूस लगातार सुन लेगी उसको कोई संशय नहीं रहेगा साधना क्या होती है। साधना तो एक ही है और वो श्रेष्ठ ही है अगर वो मिल जाता है। जब तक हमें वो नहीं मिलती तब तक हम एक दूसरे को अश्रेष्ठ, अपने को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। ये हमारी अल्पज्ञता होती है क्योंकि हम अपने चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे। अब वर्तमान में उनमें क्या अनमोल खजाना दबा हुआ है, जिसके कारण हम नाना प्रकार की अपनी सोच बनाकर उस पर आधारित हो चुके हैं और उन मूल शास्त्रों से हम दूर हो लिए। अब धर्मदास जी ने जब अपनी सारी क्रिया कर ली और गीता जी का पाठ करके अपना बंद हुए समापन किया, ठाकुर जी की मूर्ति को अपनी गठड़ी में बांध लिया, तब परमेश्वर कबीर परमात्मा एक जीव का रूप बना के एक साधारण भक्त के रूप में बोलते हैं, कहने लगे हे वैष्णो महात्मा। वो परमात्मा एक जीव को तो महात्मा कहते हैं, अपने आप को एक तुच्छ जीव बताते हैं। क्या कहते हैं कि हे महात्मा, मैं बहुत भ्रम लिया हूं, मुझे अभी तक सत मार्ग नहीं मिला भक्ति का। मैंने नहीं कोई मुसलमान संत छोड़ा, ना कोई मुसलमानों वाली क्रिया छोड़ी, मैंने हिंदुओं के महापुरुषों से भी संपर्क किया, ईसाइयों के जो संत हैं उनके पास भी मैं पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक मेरे मन की, मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पा रही कि भक्ति मैं कर रहा हूं ठीक हूं, और आपकी जो भक्ति है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपकी प्यारी प्यारी आवाज मेरे हृदय को खींच रही है। ऐसे कह के वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने सतमार्ग का ज्ञान बताने की चेष्टा करते हैं। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक मुसलमान होकर के और मेरी क्रिया को बड़ा अच्छी बता रहा है। तो बताने लगा, कहने लगा जिंदा बैठ जा, तेरे भाग बड़े जो आप मुसलमान होकर के और मेरी बात को सहन कर लोगे, बताऊंगा उसको सुनोगे। तब उस प्यारी आत्मा परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, कहने लगा भाई देखो महात्मा जी, हमने तो अपना जीवन कल्याण चाहिए, आज हम मुसलमान हैं, कल ना जाने हम किस जन्म में होंगे, आज हम हिंदू हैं, ना जाने कल किस मजहब में हमारा जन्म होगा, अगर आत्म कल्याण नहीं हुआ तो ये मजहब और ये हमारी जाति और ये शरीर
सदव्रत रह जाऊंगी। मैं तो इस उद्देश्य से निकला हूं कि मेरा कल्याण हो, चाहे किसी भी साधना से हो जाए, मुझे तो प्रभु चाहिए। आज हम हिंदू हैं, कल पशु बन जाएंगे। आज हम मुसलमान हैं, कल हम पशु बन जाएंगे। आज हम ईसाई हैं, तो कल ना जाने किस जूनी में चले जाएंगे। आज हम सिख हैं, तो ना जाने कहां हमारा डेरा होगा। अगर भक्ति ठीक नहीं बनी तो धर्मदास इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगा, बैठ जाओ, मैं बताता हूँ आपको भक्ति। अकान जी बताइए, मैं ना गीता जी का पाठ करते नित्य, और गीता जी एक ऐसा पवित्र शास्त्र, इसके बराबर इसके तुल पृथ्वी पर शास्त्र नहीं है। और एकादशी का व्रत रखता हूं। मेरे गुरुदेव ना 68 तीर्थ करने की सलाह दी है, मेरे को आदेश दिया है, और उसकी उनके आदेश अनुसार मैं इन 68 तीर्थों पर भ्रमण के लिए निकला हुआ हूं। श्री राम कृष्ण का जाप जपता हूं, ओम नमः शिवाय का जाप जपता हूं, शिवलिंग की पूजा करता हूं। और फिर क्या कहा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। जिंदा जीव हिंसा माने वो कहना चाहते थे कि तुम मांस खाते हो मुसलमान, और हम हिंदू मांस नहीं खाते। और जो मतलब कहा नहीं सीधा, पर डायरेक्ट उसका संकेत ही था। कहने लगे जो जीव हिंसा करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं हो सकते, उनका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ जाता है, उनको तो पाप बहुत लगते हैं। अब कबीर परमेश्वर कहने लगे, धर्मदास मैं आपसे एक प्रार्थना करूं। कहने लगे, महात्मा जी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपकी तो बहुत अच्छी बातें लग रही हैं मुझे। धर्मदास जी ने बताया कि मैं वैश्य कुल में जन्म है मेरा, वैश्य कुल में यानी बनिए हैं हम, और मैं जो है वैष्णो, हम वैष्णो विष्णु जी के उपासक हैं, वैष्णो साधु कहलाते हैं हमारे गुरुदेव, हमने उनसे उपदेश ले रखा है। तो गुरुदेव ने हमें बताया है कि गीता जी का नित्य पाठ करना है। परमेश्वर ने कहा कि महात्मा जी एक प्रश्न है मेरे मन में, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलो बेटा, बोलो जी, क्या बात है, बोलो। कबीर साहब ने कहा कि देखो, आपने अभी बताया कि गीता जी के नित्य पाठ करने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा। देखो, आप और क्या क्रिया करते हो, आप पितृ पूजा करते हो। धर्मदास कहने लगे, हाँ जी पितृ पूजा करते, पितृ पूजा नहीं करें तो फिर तो हमारे पितृ को जो है ना, वो उनका जो हिस्सा नहीं पहुंच सकता और वो दुखी हो जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण और राम की पूजा करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना करते हो, अकान जी, और गीता जी का नित्य पाठ भी करते हो, अकान जी। देखो, गीता जी के पाठ करने से लाभ नहीं, जैसा गीता जी में वर्णन है ऐसा आचरण करने से लाभ होगा। एक जमींदार था, वो वृद्ध हो गया और उसको संतान जब हुई तो वो थोड़ी सी लेट हुई, पुत्र जब उत्पत्ति हुई उनके तो वो वृद्ध हो चुका था। जब वो लड़का 12 वर्ष का था तो वो पुत्र पिता लगभग 60 और 65 वर्ष की आयु का था। अब पिता ने सोचा कि तेरा इकलौता पुत्र है, कहीं अपने व्यवसाय में ये मार ना खा जावे, इसलिए क्यों ना मैं अपने अनुभव को, सारे जीवन के अनुभव को और पूरा विवरण लिख दूं एक किसी पैड पे, वही में। उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस, हर क्रॉप का, हर फसल का, किस में बीजनी चाहिए, उसमें कितना एक एकड़ में कितना बीज डलेगा, कितनी बार उसकी किस समय में उसमें पानी डाला जाएगा, किस समय उसमें खाद डालनी है, फिर क्या स्थिति होगी, उसको कैसे संभालना है, ऐसी स्थिति हो जाए तो उसमें ऐसे खाद डालना है, तो सब कुछ लिख के और एक पूरी बही के अंदर यानी एक पैड में लिख दिया और कहा, पुत्र इस पैड को पढ़ना और इसके अनुसार बेटा खेती करना, तू अपना व्यवसाय करना तो सफल रहेगा। अब एक बात बताओ धर्मदास जी, परमात्मा पूछ रहे हैं उस प्यारी आत्मा से कि अगर वो जमींदार का पुत्र उस लिखे हुए लेख को, पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव को डेडी पढ़े और ऐसा करेगा नहीं जैसा उसमें वर्णन है तो क्या होगा,
क्या वो धनी हो जाएगा, क्या उसका कल्याण होगा, उसको लाभ होगा? धर्मदास जी कहने लगे, नहीं जी बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो भूखा मरेगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसा अपने पवित्र शास्त्र गीता जी में लिखा है, ऐसा आप नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, कल्याण होगा या हानि होगी? धर्मदास जी कहने लगे, जी तो हानि होगी, और गीता जी अनुसार हम नहीं करेंगे तो पूजा। आप बताओ गीता जी किसने बोला, पहले ये बताओ मुझे कि गीता जी किसने बोला। धर्मदास जी कहता है बेधड़के से कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास यही सबसे बड़ी भूल है, गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, शरीर श्री कृष्ण जी का था, बोलने वाला काल था। और वो काल कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा या शेरा वाली इन तीनों की मां है। इस बात को सुनकर धर्मदास की तौड़ी चढ़ गई और कहने लगा, मुसलमान हो गया तू? कहने लगा, तू मुसलमान है ना, इसलिए हमारे देवताओं की तो बेइज्जती करना चाहता है, तुझे क्या मालूम गीता के बारे में, तू क्या जान सकता है गीता के बारे में, हमारे से ज्यादा क्या तुम जान जाओगे? कबीर साहब ने कहा, देखो स्वामी जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं आपसे, मैं तो आपका दास हूं, आप नाराज ना हो। आप एक बार गीता जी को उठा लो, गीता जी कोई किसी का व्यक्ति विशेष का शास्त्र नहीं है, और ये पवित्र शास्त्र उस समय लिखा गया था, ना जो कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख ना ईसाई, हम एक पिता की संतान है, हमारे पूर्वज एक थे। आपके नहीं, किसी सर्कमस्टांसेज में किसी ऐसी मजबूरियों के कारण अलग हो गए हैं, लेकिन हम एक हैं, आज भी एक हैं, जब थोड़ी सी विवेक से सोचेंगे तो आज भी दो नहीं। लेकिन गीता जी में जो लिखा वो सोचो आप क्या लिखा है और किसने बोला है। धर्मदास चुप हो गया कि चल इसने कह लेने दे, जो ये कहेगा थोड़ी सी देर और सुन लेता हूं भाई, क्यों धार्मिक आत्माओं में एक विशेष कसक होती है और ज्यादा वाद विवाद नहीं होता। बेशक दुखी हो रहा था उनकी बातों से, फिर सोचा कि देखते ही क्या बताएगा, कृष्ण जी ने नहीं बोली तो और किसने बोली, क्या जाने इन बातों को। तो ऐसा वो सोचकर परमात्मा ने कहा, देखो गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी, कि जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। और युद्ध क्यों हो रहा था, कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, एक भाई बंटवारा था, यह कोई धर्म युद्ध नहीं था। धर्म युद्ध तो यू होता, जो सेनाओं पर लड़े, एक देश दूसरे पर बदमाशी करे तो उसके लिए सिर दड़की बाजी लगा, तो धर्म युद्ध होता है। और ये तो एक भाइयों का आपस में बंटवारा था, ये नहीं हो रहा था, लड़ाई होगी। और जब युद्ध दोनों का बंटवारा नहीं हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण तीन बार गए थे शांति दूत बनकर और दोनों को समझा रहे थे, भैया लड़ाई ठीक नहीं, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है। दोनों को बैठकर खूब समझा के, देखो ये सब पृथ्वी यही है, अरबों खरबों व्यक्ति इस पर कब्जा कर मर गए हैं, राजा चले गए इनको पर अपनी राज को अपना बना के, आज उनका नामो निशान नहीं है। रावण जैसे चले गए बकवाद करके, भाई ये युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं पांडव तेरा सहारा पाके और युद्ध ना करने में राजी ना हो, और इसलिए ये युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े बैठे हैं। तो परमात्मा ने सोचा कि ये अनर्थ ना होवे, ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे, इसलिए प्रभु ने एक फैसला अपने मन में कर लिया। तीसरी बार जब मीटिंग की उन दोनों की, कौरव और पांडव की, क्या कहा परमेश्वर ने, कि भी देख लो तुम नहीं मान रहे हो, तुम तो दोनों जिद पकड़ गए और ये जिद अच्छी नहीं तुम्हारी, इसका युद्ध का रिजल्ट देखो, पहले कितना खून बह जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, और उस खून के सने हुए राज्य को जो करेगा वो राजा भी ठीक नहीं, उसका जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता, उसका कभी सुख नहीं होगा। फिर भी नहीं मानते हैं, तो परमात्मा ने सोचा हो सके ये पांडव ही कुछ नरम हो जाएं
और तो ये ऐसा जुल्म टल जावे। तो भगवान ने कहा कि देखो बात सुनो, ठीक है तुम नहीं मान रहे हो तो तुमने सेना भी बांट ली है, राजा भी बांट लिए हैं, अब मेरी भी सुन लो अंतिम फैसला। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, यह कसम खाता हूं। अब देख लो मेरा, तुमने जौन से मुझे लेना। अब इस बात से पांडवों के जमीन, पांव के तले की जमीन निकलेगी। अगर भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी पराजय निश्चित है, और हमने भगवान श्री कृष्ण को मांगना होगा क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, ये भी बात शर्म की, जब नहीं मांगेंगे तो। और सेना इन्होंने एक तरफ लगा दी, तो दुर्योधन तो लालची आदमी है, वो तो सेना का वो कोई लेगा। तो ये सब विचार करके पांचों पांडव सभा से बाहर निकल गए और कहा प्रभु हम अभी आते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं। पांचों पांडव बाहर आकर सलाह करते हैं, भी देखो अब युद्ध करना कोई लाभ नहीं, भगवान ने हाथ हथियार नहीं उठाना और अपनी पराजय होगी होगी। अब एक काम करो, अपनी इज्जत भी रह जावे, हम भगवान से कहते हैं हमें पांच गांव दिला दे, हमारी इज्जत भी रह जावे और युद्ध भी ना हुए। तो पांचों के पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को बाहर बुलाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोलो भाई क्या बात है। तो उन्होंने अपनी वो सुदर्शन बताया, अपनी प्रार्थना कही। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा, अरे ये तो बन गई बात, बस पांच गांव तो दे ही देगा दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं। तो पांडव बाहर खड़े हैं और श्री कृष्ण अंदर कौरवों की सुभा में आ जाते हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वो खुद बैठे, 101 भाई थे और योद्धा खड़े उनके और न्यारे सैनिक अंगरक्षक मंत्री वजीर। भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा दुर्योधन बात बन गई है, आप ऐसा करो उनको पांच गांव दे दो। वो कहते हैं पांच गांव हमें दे दे, हमारी इज्जत भी रह जाओगी और हम युद्ध नहीं करते, बहुत अच्छा हो गया। दुर्योधन के मन में आ गया कि ये डर चुके हैं और पांडव के पल्ले कुछ नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए तो सुई की नोक टिके इतना भी स्थान नहीं है, पांच गांव तो बहुत बड़ी बात है, अगर उनमें दम है तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से भगवान श्री कृष्ण थोड़े से नाराज हो गए, कहने लगे युधिष्ठिर तू तो बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति है, तो व्यक्ति ठीक नहीं, अरे कहां पांच गांव कहां दराज, कुछ तो सोच ले नादान तू, तेरे मकल नहीं दी भगवान ने। जब भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कही तो दुर्योधन नाराज हो गया। नाराज होकर के कहने लगा कि अपने सैनिकों से और अपने भाइयों से कहा इसको पकड़ो कृष्ण को और अरेस्ट कर दो, इसको डाल दो अंदर कैद में और यहीं से युद्ध प्रारंभ होता है। अब जब ऐसी आदेश दुर्योधन का पाकर योद्धा खड़े हुए, उसके भाई और वो सैनिक, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप के कारण उनकी आंखें चुंदियागीर, वो विवश हो गए सारे, जहां के तहां थे वहीं लुढ़क गए और भगवान श्री कृष्ण सभा छोड़कर चले गए। अब यहां विचार करना, जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था उस समय क्या होता है कि जब अर्जुन ने युद्ध करना मना कर दिया तो श्री कृष्ण अगर अपने होश में होते तो कह देते भाई धन्य तेरे माता पिता ने, चलो कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक, कुछ भी नहीं गया है। जबकि दुर्योधन अर्जुन कहता परमात्मा मैं नहीं लड़ूंगा, युद्ध मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे मुझे तीन लोक का भी राज कोई देना तो युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सामने ही हमारे रिश्तेदार खड़े, काके ताऊ चाचे ताऊओं के रिश्तेदार कोई दूर नहीं होते, बहन भाई सब साथ ही रहते हैं, सामने मेरे भतीजे खड़े, अब इनको आज मैं मानूंगा जिनको सीने से लगाए फिरा करता था, कल तक इनको लाड किया करता था, प्यार करता था, ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, ये मेरी पक्का फैसला हो गया। और वहां फिर श्री कृष्ण कहे कि तो युद्ध कर ले अर्जुन, तो ये बात फिर न्याय संगत नहीं, जची नहीं है। ऐसे महापुरुष ने आज तक पूरे इस संसार के इतिहास में आज तक ऐसा रथ नहीं करवाया, तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा काम, ये जुल्म नहीं करवाया। आपकी थोड़ा सा देर तो समझ में आओगी क्योंकि यह कहानी बड़ी जटिल बन गई, सारा ही ज्ञान हमारे से सत्यज्ञान दूर हो गया, दंत कथाएं हमने सुनी है, वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं पहुंचा। इस कारण से अपने एक बार ये अच्छा ऐसा लगेगा जैसे ये दास सारी झूठ कह रहा है, और जब ध्यान पूर्वक सुनोगे तो ये सारी सत्य होंगी, जो सुना था वो आपका असत्य होगा, आपके सामने प्रमाण होगा।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर अपने होश में होते तो वो मना कर देते, चलो नहीं युद्ध करते। उसी समय जब काल ने देखा उस ज्योत स्वरूप निरंजन ने, जो उसने कसम खाई है कि मैं जो का तू तो सामने आऊंगा नहीं, लेकिन सब में प्रवेश करके किसी में गुप्त रूप में आकर, किसी का आकाशवाणी करके, चाहे किसी में प्रेत की तरह प्रवेश करके, उसने सारे काम वही करवाता अपने 21 ब्रह्मांड में। तो उसी समय वो काल अपने 21वें ब्रह्मांड से चलकर ज्योत स्वरूप निरंजन श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। ज्योत वो काल जो है 1000 भुजा का भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान है और दुर्गा 8 भुजा की देवी है। अब क्या होता है कि जब गीता जी का ज्ञान सुनाया जा रहा था काल के द्वारा, ज्योत निरंजन के द्वारा, तो उस समय उन्होंने विराट रूप दिखाया कि अर्जुन देख ले, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, और ये मेरा वास्तविक स्वरूप है जो आज से पहले किसी ने को मैंने नहीं दिखाया था, तेरे सिवाय मेरा विराट रूप तेरे बिना किसी ने नहीं देखा था। अब ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 11 का मंत्र नंबर 47 आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये काल बोल रहा था, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था उस समय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, बाद में कभी नहीं कहा मैं काल हूं। उस समय क्यों कहा मैं काल हूं? क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा नहीं, काल बोल रही, काल की आत्मा बोल रही थी। और वो देखिएगा 1000 भुजा का भगवान है काल, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। ये देखिएगा अब 32वां श्लोक देखो पहले, जिसमें स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं। अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर नीचे देखिए 32। लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल महाकाल हूं, वैसे संस्कृत काल लिखा है, काल हूं मैं, काल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सतीश योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, यानी तू ना लड़ेगा तो भी इनको मैं मार डालूंगा, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का विनाश हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है कि काल हूं, काल स्वयं स्वीकार कर रहा मैं काल हूं। और फिर 46वें श्लोक में स्वयं अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे सेंसर बाहु 1000 भुजा के भगवान, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप सेंसर बाहु, सेंसर बाहु का अर्थ होता 1000 भुजा वाले भगवान, सेंसर बाहु 1000 भुजा वाले भगवान, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। आगे नीचे देखो 47 में, अब ये जो दिखाना चाहता था ये दास, वो ये इसका वास्तविक ये था कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब देखो क्या कहता, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे बिना पहले मेरा यह विराट रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण तो कौरों की सभा में दिखा चुके थे। अब ये प्रश्न हुआ, एक तो ये प्रमाण हुआ कि ये काल बोल रहा था, प्रभु कृष्ण नहीं बोल रहे थे, वो तो एक प्यारी आत्मा थी जिनके पास पशु भी प्यार पाते थे, पक्षी भी प्यार पाते थे, और सब ग्वाल बाल आकर के सुदबुद्ध फूल जाया करते थे, वो काल नहीं था। ये काल जो है ज्योत निरंजन, ये क्या करता है, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे किसी के शरीर में ओरिजिनल आत्मा वाले शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस ओरिजिनल आत्मा को वो दबा कर स्वयं बोलती रहती है, और जब वो निकल जाती है प्रेत आत्मा तो उस बोलने वाली वाले ने कुछ नहीं मालूम होता तू क्या कह रहा था, वो तो और ही बताते हैं तू ऐसे बोला था, तू ऐसे बोली थी, तू ऐसे कह रहा था,
तो दो चार बातें उसको बाद में याद हो जाती है, फिर उससे बता देता मैं ऐसे बोला था ऐसे बोला था। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या कहा करते ये नादान संत, पहले हम दिन से पूछा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जुल्म क्यों करवाया, जब वो मना करे अर्जुन रोए, पढ़ के देखो इस गीता जी को, अर्जुन जैसा योद्धा भयंकर रूप देख के उस काल का डर रहा है, हाथ जोड़कर कांप रहा है, कहते मेरे देखा नहीं जाता प्रभु, आप अपने उसी रूप में आ जाओ। और वो जबर कहता है कि नहीं, युद्ध कराना ही उद्देश्य, सारी गीता प्रमाण दे रही है और साथ में ज्ञान भक्ति का बिल्कुल सत्य दे दिया। तो ये क्या कहा करते थे कि अर्जुन जो है अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल रहा था, और अक्षत्रिय नहीं अक्षत्रिय हो जाते, ये सब कर्तव्य प्राण नहीं रहते और ये बात बिगड़ जाती, इसलिए भगवान ने युद्ध कराना जरूरी था। ऐ तरह के जब ये बात तो सारी न्याय संगत नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे और उन्होंने भी वो अनरस बचा दिया था अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल के। कैसे, जब कंस का वध हो गया था, कर दिया था प्रभु ने, और अपने नाना जी को अग्रसेन को राजगद्दी सौंप दी थी, कुछ दिनों के बाद अग्रसेन जी ने कहा बेटा मैं वृद्ध हो गया हूं और इस कारोबार ने तू ही लायक है, योग्य है, आप संभालो, मेरे बस का नहीं रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो राजकाज संभाला ही था, इतने में नारद जी उनको मुबारकबाद देने आए और साथ में ये भी बता दिया कि यहाँ एक गुफा है, उसमें एक मुचकंद नाम का एक ऐसा राजा सो रहा है जिसमें सिद्धि है, वो 6 महीने सोता है 6 महीने जागता है, जब जागता है तो युद्ध करता रहता है, सोता है वो उठता नहीं 6 महीने, कोई जगा दे बीच में उसको कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं और सामने वाले को भस्म कर देता, इतनी सिद्धि है उसमें। ये भगवान श्री कृष्ण का याद थी बातें। इतने में काल्यवन नाम के एक राजा ने मथुरा पर धावा बोल दिया, 18 करोड़ सेना लेकर, 18 करोड़। अब भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन की सेना आमने सामने खड़ी होगी, अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो बहुत बात बिगड़ जाएगी, ठीक है वो सेना उनकी ज्यादा है पर हम भी अपने पीछे नहीं हटेंगे, मेरे सैनिक भी ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, क्यों ना इसका काम दूसरे ढंग से कर दूं। वो नारद वाली बात याद आएगी और कहा उस काल्यवन से कि आ मेरे साथ तू नीचे उतर, आम मेरे साथ आकर युद्ध कर। अब जो ही काल्यवन युद्ध के लिए रथ से नीचे कूदा तो भगवान भाग लिए, उस रण छोड़कर भाग गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ भगवान कहने लगे और जाकर उस गुफा में प्रवेश करके जिसमें मुस्कंद सोया था, मुस्कंद पर जाकर के अपना वो पीतांबर डाल दिया जो 7 सदर रखा करते थे भगवान। काल्यवन ने जाकर देखा के और उस सोए हुए मुस्कंद पर कपड़ा डालकर आगे गुफा में चले गए, गहरे थोड़ा सा अंधेरा बहुत था। अब काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण जी यहां पर छुपकर सो गया है, श्री कृष्ण समझ कर मुस्कंद की टांग पकड़ के रैसे मरोड़ा और कहा खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे थोड़ा ही छोड़ूंगा मैं। मुस्कंद को दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई तो आंख खुली, वो निंद्रा भंग होगी, जो ही उठा तो सामने अग्नि बाण छूटे, काल्यवन का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ कर काल्यवन की टांग और घसीट कर कुत्ते की तरह उनकी सेना के सामने पटक दिया। अब उसमें राजा की मृत्यु सेना की हार होती थी, तुम्हारे राजा का वध हो गया, तो उसने कहा कि ठीक है कृष्ण हम अभी आएंगे दूसरा राजा चुनकर और तुझे बख्शेंगे नहीं, अपना प्रतिशोध लेंगे और होशियार रहना। राजा का शव उठा करके वो सेना चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि कैसा सतर ढूंढ दे विश्वकर्मा जहां पर समुद्र के अंदर केवल एक गेट हो, एक द्वार हो और उसमें एक सुंदर नगर बना दे, हम सभी वहीं आ रहे हैं, यहाँ तो इन नादान लोगों के बीच में फंस गए हम आके, कभी तो मुचकंद आ, कभी तो काल्यवन आ रहा है मारने के लिए, कभी शिशुपाल लड़ाई कर रहा है, कभी जरासंघ, कभी कोई, कदे पूतना, इन तो पागलों में फंस गए हम और चल यहाँ से निकल कर चलेंगे। कहते हैं राड़ से बाढ़ अच्छी होती है, तो उस विश्वकर्मा जी ने एक द्वार की द्वार इका एक एंट्रेंस गेट था जिसमें एक बड़ा टापू था समुद्र में, वो ढूंढ कर वहां बना दी द्वारका
और भगवान ने सोचा कि इस एक द्वार पर अपनी सारी सेना को रखेंगे, हम तो लड़ेंगे नहीं किसी से, हमारे साथ कोई इतनी दूर, प्रथम तो इतनी दूर कोई जावे को नहीं क्योंकि बिल्कुल लास्ट हो गया, और कोई यहां आ भी जाएगा तो फिर हम एक ही स्थान पर बैठकर अपना उसका मुकाबला कर लेंगे। ऐसा एक सेफ्टी प्लेस, एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर भगवान ने वहां शरण ली, हम दुष्ट आत्माओं से अपनी जो ना इतनी दूर जाकर राहत पाई उन्होंने। जब उस टाइम उस समय थे जब तो हम उनके साथ ये सलूक किया और वो चले गए, उनकी जय बोल ध्यान दे। अगर भगवान श्री कृष्ण आज भी आ जाए ना फिर भी ना माना, हम इसे निकम्मे आत्मा हो गए। क्यों? हम मुर्दे पूजन की आदत पड़ेगी, जब चले जाते हैं तो गुण गाते हैं, वर्तमान में संत आ जाते हैं तो उनके साथ हम बात विवाद बैंस ना जाने के कर बैठे, और यही कमजोरी हमें दुखी कर रही है। मेरा कहने का भाव ये है कि ये भी बात नहीं जची कि श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध करवाया कि क्षत्रिय धर्म का पालन भूल गया था अर्जुन, नहीं वो नहीं चाहते थे, वो स्वयं भूल गए जो अनर्थ टालना चाहा, आप भाग्य छोड़ के युद्ध छोड़ के क्षत्रिय होते हुए, ये भी बात नहीं जची। अब क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं और कौरवों का विनाश हो जाता है, राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु भी थे, पांडवों के भी और साथ में यादव के भी, तो सभी ने मिलकर यानी पांडवों ने मिलकर के एक प्रार्थना की कि भगवान से एक सत्संग करवाते हैं और उनके जो विचार हमें व्यक्त करेंगे उनके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, एक सत ज्ञान सत उपदेश उनसे प्राप्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बात स्वीकार की और समय स्थान और तिथि निहित कर दी। उस निश्चित तिथि को और निश्चित स्थान पर उस निश्चित समय पर श्रोतागण आकर के बैठ रहे हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आसपास घूम रहे हैं, टहल रहे हैं जब तक समय होने का इंतजार करें। अर्जुन जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आज मुझे वो गीता वाला ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, मैं भूल गया, बुद्धि के दोस्त हैं, अब मुझे याद नहीं भगवान, वो जो कहते हो सुनाना, मुझे बड़ी तड़प हो रही है उस सच्चे ज्ञान, उस ज्ञान के सुनने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू निकम्मी आत्मा है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तू तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती मुझे, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? और फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे तब याद नहीं, मैंने के कहा था, अब मैं जो कहता हूं नहीं बता सकता, अब देखो मैं सत्संग कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, और मेरे से कभी पूछ लेना जी आप वो सत्संग सुनाना जिस दिन उस दिन कथा सुनाई थी, कभी सुन लेना तुम सुना दूंगा, और मैं और आप इस चार दिन के सत्संग को आप जो है ना 30% याद नहीं रख सकते, और फिर मैं आपसे कहूं कि आपने याद क्यों नहीं रखा, आप तो बड़े श्रद्धाहीन हो, तो यह बात जची नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था जो सत्संग कर गया। ऐसे बहुत प्रमाण है कि एक जमींदार रहता था किसी गांव में, अभी पीछे की बात है, उसमें एक समय ऐसा आता था कि शाम के 4 और 5 के बीच में 1 घंटे निरी संस्कृत बोला करता और कहा करता मैं श्रृंगी ऋषि की आत्मा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हो पाई है, और 1 घंटा संस्कृत बोला करता, उसके बाद उसको मालूम नहीं, बोलने वाले को कति अनएजुकेटेड था, तो ऐसा ये बहुत बड़ा जाल है, धीरे धीरे इसमें नुमा होगा। अब इसका प्रमाण आपको संक्षिप्त महाभारत में दिखाता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें यज्ञों का तो विवरण है। अब देखिएगा ये पवित्र शास्त्र संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने एक बार उस रमणीय
सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और स्मरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने शनिवस पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा होती है, उधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। व्यासप्राण जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने सबूत रूप भूत नित्य लोकों का भी सनातन धर्म का पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती, अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर अपने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब क्या कह रहे हैं कि अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब ये कहानी क्या है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे अब याद नहीं, और उस समय तो मैं योग युक्त हो गया था। योग युक्त होना मीन होता है कनेक्शन विद गॉड, परमात्मा से कंटेक्ट हो जाना, उससे मिल जाना, और फिर वो शक्ति बोला, उसकी शक्ति की जो ज्ञान हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सकते हैं तो इब के देर लगे थे योग युक्त होते, अभी हो सकते थे नहीं, वो काल बोल रहा था। अब देखो भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि मुझे अब याद नहीं, मैं बोल नहीं सकता ना बता सकता, और यही गीता जी युद्ध के कई वर्ष पीछे वेद व्यास जी ने फिर दोबारा लिपिबद्ध कर दी जो अपने पास है। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता, मैं योग युक्त नहीं हो सकता था, मुझे नहीं याद अब क्या कहा था, क्योंकि वो काल निकल गया उसमें से सारा महाभारत करवा के, और फिर वेद व्यास जी से फिर लिखवा दिया पवित्र ज्ञान ज्यों का त्यों, एज इट इज एक अक्षर का फेर नहीं इसमें, तो फिर वो काल उसी तरह प्रेत की तरह वेद व्यास जी में प्रवेश हो गया। अब इन बातों से ये सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता में एक अक्षर भी नहीं बोला, नहीं तो ऐसे शब्द अर्जुन रो रहा है, हाथ जोड़े पैर पकड़े मैंने बख्श दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये घुमा फिरा के युद्ध की तरफ संकेत करे, तो गीता जी श्री कृष्ण ने नहीं, ब्रह्म ने बोली। ब्रह्म तीन परमात्मा है, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर। अब हमने इन तीनों परमात्माओं की स्थिति को समझना पड़ेगा। अब देखो इस भक्ति मार्ग में हम बहुत पिछड़ गए, और हमारे पिछड़ने का मूल कारण है हमारे शिक्षक ठीक नहीं थे, हमारे धार्मिक जो गुरु रहे वो अपने मूल शास्त्रों से परिचित नहीं थे, जो हमारे इस चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों में वास्तविकता जो आज भी विद्यमान है, तो वर्तमान के जो हमारे गुरु रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, वो इनसे दूर हो चुके हैं, इस करके हम भ्रमित हो गए सारे। अगर गुरु नानक देव जी की वाणी को सिख धर्म समझ लेना, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे। अगर गीता जी को समझ ले तो इस हिंदू धर्म ने कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ा कितनी भी, और पवित्र बाइबल को समझ ले तो ईसाइयों को नहीं भ्रमित होना पड़ता, और पवित्र कुरान शरीफ को समझ ले तो मुसलमान भटका नहीं खा सकते। वास्तविकता बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि समय आने पर एक तो बीच में प्राकृतिक उथल पुथल हो जाती है, जैसे कभी अकाल पड़ गई, अपनी जान की बचाव नहीं रहता तो कहाँ शिक्षा याद रहती, कहाँ धर्म याद रहे थे, सब खत्म हो जाते हैं, ना जाने किस प्रकार हाहाकार होकर दुनिया का की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर थोड़ी स्थिति ठीक होती है, फिर मनमुखी लोग अपने हिसाब से सेट करना प्रारंभ करते हैं, वास्तविकता उन शास्त्रों से दूर हो जाती है, वास्तविकता में दूर हो जाते हैं। अब आपके सामने ये यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आओगा तो सब शास्त्रों के ऊपर आधारित होगा। अब कई नादान भक्तात्मा कहते हैं कि महाराज जी तो केवल जो है ना किताबें दिखाते रहते, सत्संग नहीं करते, रतरा गजब हो, यह सत्संग क्या होता है, फिर
सत्संगी होता सुदामा और कृष्ण की कथा सुना दे, सत्संगी होता बेलनी और राम की कथा सुना दे, बस इसी को सत्संग मानते हो। ये तो सत्संग है जो सामने से पहले तुम्हें ये पता चले हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए था। हम इसको जो कर रहे हैं वो हमारा ठीक भी है या गलत है, पल पहले तो ये फैसला हो तभी तो हम उस प्राप्त करेंगे। जब तक हम यही नहीं मालूम जिस दिशा पर हम जा रहे हैं, मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये ठीक है कि गलत है, तो उसका व्यर्थ जाना है। और इन शास्त्रों को दिखाने की मुझे कति जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऐसा समझो जैसा अंधा होता है। क्यों? एक अंधा जा रहा था लालटन लेकर रात्रि में, और सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई सूरदास ने कि देखना बच्चों, बाल को देखना, मैं अंधा हूं, देखना, देख कर चलना, मैं अंधा हूं, कहीं मेरे में जो है टकरा ना जाओ मेरे से। बच्चों ने आवाज सुनी कि अंधा और लालटेन लिए कैसे लेकर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। कि लालटेन किस लिए रख रखी है आपने? कि आप आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। तो ऐसे ये शास्त्र तो एक लालटेन ले रखी है मैंने आप आंखों वालों के लिए, कि कहीं मैं जो शास्त्र दिखाऊंगा वो किसी से जरूर संबंधित होगा, या तो हिंदू से होगा या मुसलमान से होगा या सिख से या ईसाई से जरूर होगा, जो मैं वचन बोलूंगा फिर वो शास्त्र दिखाऊंगा। तो आपके लिए लालटेन हो जाएगी वो, मेरे से ना टकराए, मेरे से ना खसे, पहले अपने शास्त्र देखे जाके, या किसी मजहब या संत या किसी पंथ के दिखाऊंगा, उन्हीं महापुरुषों के लिखे हुए दिखाऊंगा। तो वो पहले ये ना सोचे संत गलत कह रहे हैं, तो पहले उस लालटेन के चांदने में अपने उस महापुरुष की पुस्तक देख लें उसमें क्या लिखा है, और उसमें लिखा वही दास बता रहा था ये बुरा क्या है, फिर पेट में दर्द क्यों हो इनके, हमारे गुरु जी किताब क्यों दिखा, कोई बात हुई 100-100 रुपये लाकर खरीद रखी, दुनिया पढ़ने लग रही इसको, और मैं भी दिखा दूं तो क्या दिक्कत है भाई, फिर चिंता क्यों होते, फिर उसमें गलत लिखा है तो तुमने लिखा क्यों, अब चिंता हो रही है उसको करेक्ट करो अपने को, हो जाए गलती ना जाने किस पर हो जाए, अब तो सेट कर लें इसको मिलकर के, इसमें मान बढ़ाई क्या है। तो इसलिए ये शास्त्र दिखा रहा हूं मुझे कोई आवश्यकता नहीं, 6 घंटे बोल सकता हूं बगैर शास्त्र के, किसी किताब के देखे, कदे कोई न्यू सोचा है केवल शास्त्र बोल ही पढ़ रहा, नहीं ये भी मान बढ़ाई नहीं बताना चाहता मैं कि भाई मैं बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मैं दुखी आत्मा था आपकी तरह, और दिशा कोई नहीं मिल रही थी, उसी स्थिति में आज आप लोग हो। आप भाव को जो भी संत मिला उसकी बात को सत्य मानना हमारा स्वाभाविक था, स्वभाव है, और हम क्योंकि जैसे बीमार आदमी जाता है तो वैद्य समझ कर ही जाएगा वैद्य के पास, और फिर वैद्य दवाई जब उसके साथ वो वाद विवाद कर ही नहीं सकता मरीज, तो वो तो लेगा खाएगा चलेगा, तो वैद्य की दवाई को वैद्य बता सके, डॉक्टर की ट्रीटमेंट को दूसरा डॉक्टर ही बता सके कि ये गोलियां वो नहीं है जिसके लिए तुम्हें दी गई, फिर उसको सावधान होना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वास्तव में क्यों इन्होंने ऐसा कहा, तो 20 जगह मिलाओ उनको तुम खाओ, नहीं तो फिर सूखे काम व्रत में उन दवाइयों के खाने का जब लाभ ही नहीं है तो क्यों खाम का अपने पैसे व्रत करे और समय खोआ अपना जीवन बर्बाद हुआ। अब आपको बताया जाएगा कि 3 परमात्मा है, एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, उसी को ईश भी कहते हैं ब्रह्म को, और परब्रह्म को ईश्वर भी कहते हैं, और पूर्ण ब्रह्म को परमेश्वर कहते हैं। ऐसे ही क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष परब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म जो है वो सत पुरुष है, अनंत वो अकाल मूर्त है। अब सबसे पहले आपको एक ब्रह्मांड दिखाऊंगा, इस ब्रह्मांड से आगे चलेंगे परमात्माओं की स्थिति अपने सामने आओगी। तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ये कितने भगवान हैं और कहां तक इनकी शक्ति है, ये एक ब्रह्मांड है, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं, इसी को अंड भी, इसी को पिंड भी कहा है। पिंड क्यों कहा? क्योंकि शरीर में एक ही ब्रह्मांड का इसमें विवरण है, जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, शरीर में वो कमल है, इन कमलों में सेंसरार कमल तक केवल इस ब्रह्म तक का ही एक ब्रह्मांड का ही इसके अंदर विवरण है, जो जैसे टीवी में चैनल होते हैं ऐसे। अब देखिएगा इस ब्रह्मांड में एक ये ब्रह्म लोक है, और ये एक ब्रह्मांड का सबसे वो श्रेष्ठ लोक है जो बहुत समय पर्यंत बहुत समय बाद विनाश होता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक नाशवान है, इससे लेकर सारे नाशवान है ये, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड जो है विनाश में आता है। अब ये देखिएगा, ये है एक स्थान ब्रह्म लोक कहलाता है,
इसमें इस ज्योत निरंजन ने ब्रह्म ने, ये ब्रह्म के अंतर्गत आता है, इस ब्रह्म ने स्वयं कसम खाई है कि मैं जैसा हूं, ये काल है जो गीता में दिखा कहता मेरा स्वरूप है, इसने कसम खाई है कि मैं ऐसा अपना स्वरूप कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूं ऐसा कभी सामने नहीं आऊंगा। ये क्या चाल करता है? इस ब्रह्म लोक में इसने ये तीन स्थान बना रखे गुप्त, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे एक मकान में तीन कमरे हो, एक में तो ऋषि महर्षियों की चित्र लगे हो, वहां जाते ही आत्मा इतनी प्रसन्न हो जाए, प्रभु में लीन हो जाए, उसका गुण बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, और एक में लगे हो देशभक्तों के, और उसको देख करके अपने आप देशभक्ति में अपने आप मन का गुण वो स्वभाव बदल जाता है, और एक मैं लगे हूं ऐसे ये अश्लील चित्र, उसका देखते मन में बकवाद आऊंगी जब तक वहां रहेंगे। ऐसे इस काल ने सूझबूझ करके ये तीन स्थान बना रखे, और ये स्वयं ये काल जो है ज्योत निरंजन, ये स्वयं महाब्रह्मा का रूप धारण करता है, और दुर्गा को ये महाशावत्री रूप में अपनी पत्नी रूप में रखता है, और इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं और रजोगुण बना देते हैं। आप दूसरा स्थान देखो, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं काल ज्योत निरंजन महाविष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है, और यहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं और उसको फिर सतोगुण बना देते हैं, क्योंकि उसमें रहने से इसमें भी वो गुण पिता वाले आ जाते हैं। और यहां जब ये तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं महाशिव ये सदाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को ये महापार्वती रूप बनाकर यहां रखता है, और इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये शिव रख देते हैं, रुद्र रख देते हैं, और उसको फिर तीनों को बेहोश कर देता है, करवा देता है दुर्गा से, और कहता है कि मेरा भेद नहीं बताना इसको, ये दुर्गा का अलग लोक भी है, और यहां पर ये ब्रह्म लोक, ये महास्वर्ग है इस पर्वत के पीछे। इसमें इस काल ने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और अनामी लोक की रचना सब दुर्गा से करवा रखी है, इन जीवों को धोखा देने के लिए कि ये कहीं मेरे जाल से बाहर ना हो जाए। और जब ये बच्चे स्याने हो जाते हैं तब तक इनको बेहोश रखा जाता है, और जब ये जवान हो जाते हैं इनको प्रवेश की जाती है, तो इन तीनों को फिर इन तीन स्थानों पर भेजकर अपनी इस एक ब्रह्मांड की सृष्टि को ये काल चलाता है। अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मा जी जो इस काल के बेटे हैं, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शिव जी, ये केवल स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, इस पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं। सतगुण रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी, केवल इन तीन लोकों में, इन तीन लोकों के ये प्रभु एक एक विभाग के, और ये काल जो स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता, समझो एक ब्रह्मांड में। ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड है, ये देखो इस काल के ये 21 ब्रह्मांड है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। पहले ये देखिए नीचे का, इस अभी आपने जो देखा था वो ये ब्रह्मांड है, कोई देख लो इनमें से एक ब्रह्मांड में ये सभी स्थिति है, और ये ऐसे ऐसे पांच ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है, और ऐसे ऐसे चार महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के इनको चारों तरफ से फिर ऐसे बंद करके, और ये काल यहां रहता है अलग इनसे, इसको ये सारा एक महाब्रह्मांड तुल्य स्थान है ये इतना, और ये थोड़ा सा विस्तृत करके बनाया गया है सारी चीज लिखने के लिए। यहां पर क्या है कि इसने एक ये लॉक लगा रखा है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता, ये यहां रहता है, और यहां एक तपतशिला बना रखी है जिसपे 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को यहां बूनता है, जीव मरते नहीं लेकिन उनको इतना तंग किया जाता है कि इसमें से मैल निकालता जो सारे जीवन में इन्होंने खाया पिया होता है और सूक्ष्म शरीर में लगा होता है, फिर इसके लिए इसने सारी व्यवस्था की है, इसको श्राप लगा हुआ 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। तो यहां इसने नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नामी लोक की रचना यहां भी कर रखी है, और इधर इसने ये 12 वो पुण्यात्मा जो ऋषि लोग योगों योगों से द्वापर तक शास्त्र अनुकूल साधना करते रहे, और उनमें से 12 पुण्यात्मा छांट कर यहां रख लेता है।
इनको फिर कलयुग में भेजता है नकली गुरु बना के, क्योंकि इनकी पिछली कमाई इनके साथ होती है, शब्द में शक्ति भी होती है और छोटी मोटी अपनी तरफ से लोगों को राहत भी दे देते हैं। उसके बाद ये भी यहाँ आते हैं ब्रह्मंडों में और अपनी शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, स्वयं भी करते हैं औरों से भी करवाते हैं, और फिर ये पिछली कमाई खाकर ये भी खत्म नरक में जाते हैं और अनुयायियों को भी काल के मुख में डाल जाते हैं। ये 12 यहां से आते हैं। अब ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ये ब्रह्म के। और अब देखो कुल सती थी सारे ब्रह्मांडों की। अब देखिएगा ये सती है, ये बिल्कुल शास्त्रों में आधार दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि वैसे बना के बैठ के कलम घुमा ली और बना लिया चित्र, ऐसा नहीं है। ये हर वेद में और गीता में आपको प्रमाण मिलेंगे संतों की वाणी में। ये समझो, ये अभी आपने देखे 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन के, यानी ब्रह्म के, और ये साथ में 7 संघ ब्रह्मांड। और ये जो एक ब्रह्मांड है ना, ये इसमें एक ब्रह्मांड में वे ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभागीय मंत्री है, एक एक विभाग के। अब देखो सती थी अपने आप समझ में आ जाएगी जब आप सियाने हो गए सत्संग सुनोगे। अब देखो ये है परब्रह्म, ये परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड है, 7 मिलियन ये 7 परम संख। और इसके बाद ये असंख इन्फिनिटी, ये उस पूर्ण परमात्मा के ये वीर जो इन पे भी मालिक। और इसके ये सतलोक कहलाता है, इसके ऊपर ये अलख लोक है, अगम लोक, अनामी लोक। ये केवल संकेत दिए हैं क्योंकि स्थान भाव से ये नहीं बना पाए। तो ये अब यहां से कहानी शुरू होती है। उसके बाद ये नीचे के 3 लोक बनाए जाते हैं, इनमें बैठ कर फिर परमात्मा नीचे की सारी कहानी और सृष्टि रची जाती है। अब ये सती थी बताना जरूरी था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते हैं, और जबकि जिसकी साधना से हम जन्म और मृत्यु में शिखर चले जाते हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पाता। जब तक हम इस सतलोक में नहीं आ लेंगे तब तक हमारी जन्म और मृत्यु और ये कष्ट कभी मिट नहीं सकते। यहाँ आने के लिए हमें उस विधि की आवश्यकता पड़ेगी जो हम वहां जा सकते। अब आपको गीता जी सुनाते हैं। अब ये पढ़कर आपके गीता जी समझ में आएगी इतना कुछ देख के। अब ये भी सोचना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए प्रमाण आपके लिए और देना पड़ेगा। इस 4 दिन के सत्संग को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सुनते रहना, चाहे इस भाव से सुनना के देखेंगे कहां त्रुटि मिलेगी संत की, इस उद्देश्य से भी सुन लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा आपका। त्रुटियां तो हमारे अंदर बहुत हैं, लेकिन अब वो त्रुटियां नहीं रहने देंगे जो भक्ति मार्ग की है। अब इसको हमने सेट करना है। ये है श्रीमद देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम। श्री खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, और इसमें 3रा स्कंद देखो। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, 7वां अध्याय श्लोक समाप्त हुआ, 8वां मंत्र प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण। फिर संस्कर देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता चय, मह मन में क्यों बना दिया तमोगुण, मैं तो तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव बना दिया, रजोगुण बनाया क्यों बनाया। अश्वित के मुंह सतोगुण हरि, और सतो हरि को सतगुण यानी विष्णु को सतोगुण। अगर आप इतने दयालु हो हमारे ऊपर, जैसा आप कर रहे हो बेटा मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और ब्रह्मा को रजोगुण विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया, क्योंकि ये भी दुखी है बेचारे। अब देखो आज 1,00,000 प्राणी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, 1,00,000 परिवारों में आज आहार खाना नहीं बनेगा,
और बाकी के हम बचे हुए हैं, हम सोच रहे अभी हमने नहीं मृत्यु होगी, क्यों नहीं होगी, हमने क्या क्या मजबूती पकड़ रखी है हम जिसके कारण हमारी मृत्यु ना होगी। इस काल के लोक में हम इतने कष्ट पे कष्ट उठाते आ रहे हैं और फिर भी हमारे अंदर, क्योंकि हम सोचे कहाँ से, अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं कि कोई ऐसा स्थान भी जहाँ जा सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक इस सतलोक की महिमा गाई वो कति नकली गा रखी है, वो नाम भी गलत बता रखे हैं, जो वो जा नहीं सकते वहां पर, वो काल प्रेरणा थी। अब देखिएगा, अब इससे पहले कि ये काल जो है, ये ज्योत निरंजन काल है, ये सदाशिव का रोल भी यही करता है, इसी को सदाशिव भी कहते हैं। ये देखिएगा, अब गीता जी के ज्ञान को समझाने से पहले ये भूमिका बन रही है। अगर दास पहले आपको समझावे गीता जी को शुरू कर दे तो आप एक नहीं समझ मावर नहीं होगा, झूठ बोल रहे नहीं। अब देखो, अब शिव महापुराण नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर से भी देखिए, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आप देखिएगा। अब ये सदाशिव कौन है, ये काल है ज्योत निरंजन ब्रह्म, और इस ये शिव पुराण प्रारंभ होती है ज्योत निरंजन यानी काल से, सदाशिव से, समाप्त होती है इसके त्रिलोकीय पुत्र तमोगुण शिव की लीलाओं पे। अब यहां से प्रारंभ होता है ये रुद्र संहिता, यहां देखो या नीचे से लीजिए, यहां से शुरू करते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा यानी आप पे सोच बनाकर इस प्रकार बताए अनुसार इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। नीचे देखो, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति जंत आकार यानी भगवान सदाशिव है, अर्वचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकिक रहकर इच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही अपने अंदर से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। आगे देखो यहां, अच्छा उसे पराशक्ति को, वो दुर्गा है ये जो काल के शरीर से निकाली थी, उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, प्रकृति याद रखना दुर्गा को कहते हैं, ये गीता जी में काम आओगा, जब आपको गीता जी में दिखाऊंगा ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, ये भी कसर निकाल दी, कोई न सोचिए और कोई होगी, दुर्गा नहीं थी, 8 भुजा भी बता दी, यानी कतई संशय रहित कर दिया। और इस अनमोल शास्त्र को हम नहीं समझ पाए अभी तक। अब नीचे देखो, और दूसरे नंबर पर इस काल की महिमा आती है, वे तो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने वो सदाशिव भी उसी को कहते हैं, काल भी और ब्रह्म सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति, शक्ति यानी दुर्गा के नाथ नहीं है ये सात है, मिस्प्रिंट है, सात शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्त रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद रूप स्वरूप है उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखिए, मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यहां देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए यानी कोई और बच्चा पैदा करें, ऐसा निश्चय करके
शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक प्रगट पुत्र पुरुष प्रगट हुआ। ये पति पत्नी व्यवहार किया जिसमें से एक पुत्र की उत्पत्ति, उसका नाम क्या रखा ये देखिए। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके जो उत्पन्न हुआ था, स्वामी मेरा नाम निश्चय करके कहिए तथा मेरा काम भी बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, शिव ने कहा, वत्स बेटा, काल बोला, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। यानी सदाशिव काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध हुई। अब यहां देखो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पुराण को कहते हैं बेटा नारद, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदा शिव ने पूर्ववत यत्न करके मुझे भी यानी विष्णु की तरह अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी माया से मोहित करके यानी बेहोश कर दिया। फिर इनको नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। पहले तो उसको तरह प्रकट किया, फिर दूसरा कहते कमल के ऊपर बेहोश कर दिया गया इसको। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।